अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप लोग आई, होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है धूप निकल आई है, पूरे 2-3 दिन के बाद जो है ना सूरज की शक्ल देखी है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा था, सुबह जब इतना नहीं था, बादलों में छुपा हुआ था सूरज, लेकिन जैसे जैसे जो है ना 12 बजे के बाद फिर थोड़ी सी धूप चमकने लग गई, और फिर जोहर असर के बीच में तो फिर धूप निकली है हल्की सी, लेकिन हवा भी चल रही थी ठंडी। और ये जी मैं नीचे से कपड़े उतारने आई हूँ, क्योंकि आज था वॉशिंग डे, तो फिर लॉन्ड्री का सिस्टम तो सारा ऊपर है, बट जब कपड़े थोड़े से होते हैं हैवी, तो मैं अपनी हेल्पर से कहा था कि उसको पीछे जो है ना डालो, ताकि हवा अच्छी तरह फिर जाएगी और ऊपर नीचे ना चढ़ाओ, फिर सूखते बिल्कुल भी नहीं है, 2 दिन लग जाते हैं मुझे। और ये जी आज कारपोच वॉश किया था, तो पानी पता नहीं कहाँ से निकल आता है, उस टाइम वाइपर लगाती हैं वो, लेकिन फिर भी ये देखें पानी ही निकल आया, तो मैंने कहा इसको भी मैं कर जाऊँ, नहीं तो ये फिर ऐसे कीचड़ सा बन जाना है, ठीक है, या फिर बच्चे स्लिप होंगे हाँ जब इधर नीचे उतरे हुए होते हैं। तो मैं बस वो वाइपर लगा कर पानी को एक साइड पर कर रही हूँ, तो बस अब मैं ऊपर जाऊँगी। बाकी के कपड़े जो है ना सारे ऊपर हैं, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तो गैस फुल आ रही है। 2 दिन में गैस ने ना कानों को हाथ लगवा दिए, सच्ची मुझे पता चल गया गैस की वैल्यू क्या है। और बस अब मैं ऊपर जाऊँगी, और यहाँ मैं आपको सूरज भी दिखाती हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है ना, मतलब कि 4:45 का टाइम है शाम के, और अभी अच्छा खासा जो है ना अभी है दिन, नहीं तो 2 दिन तो ऐसे ही अंधेरा अंधेरे में उठते थे, अंधेरे में ही सारा दिन गुजर जाता था। ये देखे सूरज अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना अच्छा साफ मौसम है, जैसे जैसे दिन निकला है ना, तो आज मौसम साफ़ हुआ है, तो होप सो कि सुबह का दिन भी ऐसे ही रहे। और यहाँ जी खड़ी हूँ मैं टोकरा उठा के कपड़ों का, और ये देखें जी, हेलो कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी अब मैं ऊपर जाऊंगी, और अभी मुझे बनानी है चाय, आलू मेरे बॉयल हो रहे हैं, खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना। और ये देखिए मेरा हाल देख लें, मेरा जो मोबाइल है ना, बच्चों ने गेम खेल के उसकी जो है ना कर दी थी बैटरी ख़त्म, और मैं इसको जो है ना पावर बैंक लगा के जो है ना साथ साथ लिए फिर रही हूँ। और बस ये मेरे हालात हैं, और मेरे बालों का हालात देख लें आप कैसे उजड़े पड़े हैं, ठीक है। और ये देखिए जी मौसम, अभी मेरे कपड़े ऊपर पड़े हैं, मैंने ऊपर से निकाले हैं, चलें जी ऊपर ऊपर जाके जो ना ऊपर की सूरत हाल देख लेती हूँ। पंजाबी में कहते हैं नहीं उठू टाइप का, इस तरह का हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो अब मैं अपनी स्पेशल मैंने 2-3 दफ़ा खा लिया, तो मैंने कहा चलो जो खाता है फिर पी लेती हूँ। चाय बनाती हूँ, सच्ची मैं तरस गई थी, इतना ये देखे इतना फ्लेम देखने के लिए मैं सच्ची तरस गई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं जिंदगी में से क्या चला गया, क्योंकि नॉर्मली जो है ना गैस इसमें बंद नहीं होती, बिल्कुल मीडियम नहीं होती, कुछ घंटों के लिए, लेकिन ये पिछले 2 दिन ना सुबह से लेकर शाम तक नाश्ता भी नहीं बनता था और डिनर भी नहीं बनता था, चाय बनानी अजाब हो जाती थी, दूध बॉयल करने मुश्किल हो जाता था। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी दूध वाले की छुट्टी करवाते हैं, और ना थोड़ा सा मिल्क पैक ले आते हैं, तो वही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि आज गैस बहुत अच्छी है, फुल बेटा फुल है सुबह से, ठीक है। सर्दियाँ स्टार्ट हुई है ना, तो उसमें किसी ना किसी जगह पर जो है ना ये सूरतें होती थी, चूल्हे बंद है जी, नाश्ता बनाना, मुझे सच्ची 2 दिन में लग पता गया है जब गैस बंद हो तो। लेकिन अल्लाह मियाँ की नेमते हैं, जब अल्लाह मियाँ हमसे हाथ खींचते हैं नेमतों से, तो फिर हमें इनकी कदर होती है, वैसे हमें इस गैस की कहाँ कदर है, हम किस तरह वेस्ट करते हैं, बट जिस दिन ये नहीं होती ना उस दिन लग पता जाता है। आलू मैं चेक कर लूँ मेरे कितने ठंडे, तो मैंने मैश ही है, थोड़े से ज़्यादा भी होगा तो नो प्रॉब्लम।
मैंने छोटे छोटे ना काट के डाले ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। आज मैं थोड़ा सा लाइव कर रही हूँ कि मुझे मेरी आवाज़ इस काबिल ही नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करूँ। ऐसे सांस की आवाज़ आती है ना, कितनी डीप लगती है, थोड़ा सा गल गया था, ऑलमोस्ट गलने वाले हैं। वो अच्छी तरह मैश होने लगे। ये जी हमारा गहरा बन गया और इसमें हाफ कप मैंने दूध डाल दिया। ज़्यादा दूध नहीं मुझे पसंद, हरी भरी किस्म की चाय बन जाती है जब भी मैं दूध पत्ती पीती हूँ। और बस मैं काट के डालूंगी जुशांदे का पैकेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो गला है ना, ज़्यादा और थोड़ा जो शानदार पीने से, कैप्सूल खाने से ना फाका हो जाता है। मुझे एंटीबायोटिक नहीं खानी पड़ती, लेकिन गला जब खुश्की सी होती है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना क्रॉस का मुझे कहते हैं डेली किया करो। और वो दो टाइम जो है चम्मच और बॉटल लेके खड़े होते हैं मेरे सर पे, क्योंकि वो उन्हें पता है कि मैं बहुत ला रहा हूँ अपनी मेडिसिन खाने के, जब भी इतना पानी पड़ जाए और बच्चों को भी खिलाने के मामले में। पता नहीं मुझे मेडिसिन बच्चों को खिलाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, खुद भी खाना बहुत मुश्किल लगता है। तो वो दो टाइम दिन में जो है ना चम्मच और सिरप लेके नाश्ते के बाद डिनर के बाद मेरे सर पे खड़े होते हैं कि इसको पियो की तो उन्हें मैंने रखना है। तो बस आज मुझे याद आया कि मैं पी लूँगी ना, और रात को फिर मैं ऐसी खांसती रहूँगी फिर, तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा टोटका शोटका कर लें, तो उसी में ही मेरी भलाई है। ये लगी चाय मेरी होगी बॉय। चाय मेरी रेडी शेडी हो गई है, मैंने जुशांदा भी इसमें डाल दिया है। लाइट कर दें ऑफ। अच्छा मेरा ना आज सुबह से बड़ा दिल कर रहा था कोई बर्गर कोई पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के खाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने मंगवा के खाया ना तो फिर मुझसे रहा नहीं जाना, साथ में से कोल्ड ड्रिंक लाजमी पिए जानी है, और गला मेरा बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा इन चीज़ों की। तो नहीं, हीटर के आगे बैठूंगी मैं जब बच्चे, अभी बच्चे घर पे नहीं, अपनी नानो होम गए हैं, जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो इसके आगे बैठते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं, आखिर फ़ैन है ये, गर्म हवाएं इतनी अच्छी नहीं है आपकी बॉडी के अंदर जाती है। बट अगर बच्चे मुझे देखेंगे ना तो उन्होंने कहना मम्मा हमें रोकती है और ख़ुद जो है ना बैठती है। अच्छा जी, आलू मेरे बस बॉयल हो गए, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, बस उन्हें स्ट्रेन करूँगी, पानी में से निकालूंगी। और मैंने क्या करना है, हाँ थोड़े से कपड़े बाहर पड़े हैं वो उतारने हैं मुझे। और अच्छा कपड़े ना मैं बच्चों से कहती रहती हूँ कमी करो भाई, ख़राब करो, बच्चे सॉक्स बहुत ख़राब करते हैं, तो थोड़े से कपड़े, लेकिन उनको ना मुझे दो दिन लग जाने ऐसे उतारते चढ़ाते, स्टैंड पे रखो स्टैंड से उतारो, उनको पलटो, सूखते ही नहीं है, मोटे होते ना कपड़े। तो बस ये मसले मसाइल हैं। और बस मुझे अब गैस आती रहे तो ये, बच्चों के वैसे भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मुझे ना अब थोड़ी ये टेंशन होना शुरू हो जाती है कि उनको तैयारी करवानी है, उनको सिलेबस कवर करवाना है, खुद से बच्चे नहीं पढ़ते ना तो उनके ऊपर निगरानी करनी पड़ती है। दूसरा मेरी कज़न की शादी भी आ रही है तो वो भी थोड़े दिन रह गए हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी क्या तैयारियां चल रही हैं। ऐसे तो कोई तैयारियां नहीं है, कपड़े तो बच्चों के तो अल्हम्दुलिल्लाह थे कपड़े, क्योंकि लास्ट ईयर भाई की शादी थी तो बेपनाह इतने जोश में कपड़े बना लिए, क्योंकि एक एक भाई था तो बस सारे अरमान जो है ना पूरे करने थे, तो डबल डबल बच्चों के सूट बने थे, तो उनमें से एक एक पहना गया था, तो ज़ाहिर है नहीं पहने गए ना, उनमें से काफ़ी मिलाद के, ढोलकी के, माइयों के, उपटन के, इस ना काफ़ी सारे बन गए थे, तो वो हैं। तो ज़ाहिर भी फैंसी सूट पहने नहीं जाते, छोटे हो जाते हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है इतना पैसे लगा कर। तो आप जो है ना, वैसे किसी ऐसे शादी हो तो मैं जल्दी नहीं कपड़े बनाती, एक आध बना लेती हूँ, मुझे पता होता है कि बच्चों से मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकते, ना ही मुझे बच्चियों को भी इतने कोई लहंगे गरारे इस तरह हालात में अच्छे नहीं लगते, तो वो शादी के शादी पर रह जाते हैं। और बच्चा जब आपका ग्रोइंग एज में होता है ना तो कोई फ़ायदा नहीं इतने ज़्यादा कपड़े बनाने का, एक आध ही बनाएं कि जो पहना भी जाए, अगर छोटा भी हो जाए चले आप किसी को दे दें तो आपको दुख ना हो कि पहना नहीं गया। और इसी तरह जूतों का हाल है, तो पिछले साल जो जूते लिए थे उनमें से कुछ पहनेंगे और जो नहीं पहनेंगे तो वो छोटे हो गए। ज़ाहिर है पूरे पूरे आप जूते पंप्स वगैरह आप पूरे ही लेते हो ना, अगर इतने खुले तो ले ही नहीं सकते आप, तो वो बस बच्चों के मुझे जूते लेने हैं। और अपनी बस छोटी मोटी जो सात तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं, लेकिन अब ये जो है ना एग्ज़ाम्स वाले दिनों में तो बिल्कुल स्टक हो जाने हैं सारे काम मेरे, तो उसके बाद इंशाल्लाह। और आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सारी चीज़ें शादी के, होप सो मैं व्लॉगिंग कर सकूं शादी वाले दिनों में, पता नहीं मुझसे घर से बाहर जाके तो बिल्कुल भी नहीं होती, तो डिटेल में जो मैं बना सकूं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं, तो होप सो देखें क्या होता है। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत बेटर हो गया है, दो दिन तो घर में ही रहें, कहीं भी नहीं जा सके,
करेला मैंने पी ली है, चाय अपनी, और ये देखिए आलू जो है ना मेरे अभी स्टीम निकल रही है और ये गल गए। अच्छा अगर आपने इस तरह कटलेट्स बनाने हैं तो ज़्यादा गल जाए आलू तो फिर वो हैंडल नहीं होती, बहुत नरम सी ढीली ढीली हो जाती हैं। और अब ये मतलब इस तरह हाथ से टूटते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह स्लाइस बना के ना इनके कटिंग करके कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे फिर पीला करने पड़े। तो अब मैं इस सोच रही हूँ इससे कुछ बनाती हूँ, चीज़ बॉल बनाती हूँ कुछ के, और कुछ के बनाऊंगी चटपटे से कटलेट, ज़्यादा चटपटे नहीं। इमली वगैरह मेरे पास है भी नहीं, मैंने डालनी भी नहीं है, ठीक है। और कुछ के मैं चीज़ बॉल बना लूँगी क्रम्स वाले, क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं और मुझे वैसे आलू के कटलेट्स को इतने पसंद नहीं, बट मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े से बनाऊँगी, कुछ मिक्सचर रख भी लूँगी अगर बच गया, सुबह इनको पराठा बना के दूँगी, ठीक है। तो बस अभी थोड़ा सा ठंडे हो जाए तो फिर इसका प्रोसीजर करती हूँ सारा। उतनी देर में जो है ना मैं कपड़े उतार लूँगा, ये तो मेरे सर पे तलवार लटकती रहनी कपड़ों की। ये जी मैंने आलूओं की अब बारी आ गई है, कपड़े जो मैंने उतार के स्टैंड पे रख दिए थे हीटर के आगे कि थोड़े बहुत जो रह के गीले तो वो सूख जाएंगे, और आलूओं को मैंने सिर्फ मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्चें और सूखा धनिया, हरा धनिया, और मिर्च की अगर ज़रूरत होगी तो लाल मिर्च डालूंगी, हरी मिर्चों की अगर नहीं होगी। और इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह सारा डाल के जो है ना इसको मैंने टिक्की बना लेनी है। कुछ मैंने निकाल लिया है सुबह के लिए पराठे के लिए, और कुछ की बस जो है ना कटलेट्स बना लेने हैं खाने के टाइम। और ये जी मैंने कटलेट्स बना ली, और अपने लिए मैं 2 या 3 जो है ना पोटैटो चीज़ बॉल बना लूँगी। एक दफ़ा अगर आलू उबाल लेना तो कितने काम हो जाते हैं, कटलेट्स भी बन जाते हैं, आप और चीज़ें भी बना सकते हैं और पराठों में भी डाल लेते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक दफ़ा अगर आप थोड़ा सा आलू बॉयल कर लेना तो बहुत कुछ बना सकते हैं। ये जी हमारी गरम गरम सी आलू की टिक्कियाँ, यहाँ पे पोटैटो कटलेट्स जो रेडी रेडी हो गए हैं, तो मैंने बच्चों को बना के दी थी, तो बच्चों ने बड़े इंजॉय करके खाया। और उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए मैंने रख ली है, मैंने कहा जब आएंगे तभी मैं इनके साथ के साथ जो फ्राई कर दूँगी। और अपने लिए मैं अब लगी हूँ बनाने जी पोटैटो चीज़ बॉल, तो मैंने 2 ही बनानी है और 2 ही स्लाइस लिए मैंने मोज़रेला चीज़ के। तो इस तरह थोड़े से आलू लेने हैं, और मतलब के तो उसके अंदर जो है ना इसको फिल कर देना, और कोफ्ते की शक्ल इसको दे देनी है अपने हिसाब से, और फिर जिसको एग में डिप करना, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करके जो फ्राई कर लें। और अक्सर जो लोग जो है ना थोड़ा सा मैदा लेके कॉर्नफ्लोर ऐड करके नमक मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना के उसमें भी डिप करके भी ब्रेड क्रम्स के साथ इस तरह कोट करके फ्राई कर लेते हैं, बट मैं एग और ब्रेड क्रम्स के साथ ही इसको फ्राई करती हूँ, 2 ही बनाऊँगी और अपने लिए काफ़ी हैं इतने ही, ठीक है। और इसके बाद फिर मुझे रोटियां बनानी है, और लेफ्ट ओवर दाल पड़ी हुई है वो गर्म करनी है, और हमने कर लेना है अपना डिनर। और इस तरह की काफ़ी यमी सी ये लगती हैं मुझे, ठीक है। तो बस मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मुझे 2 ही करनी थी, तो फिर बस इस तरह मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है ना इसको फ्राई कर रही हूँ, हल्का हल्का सा जो है ना गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखें जी मज़ेदार सी जो है ना मेरी चीज़ बॉल रेडी हो गई है, और आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी वीडियो को करती हूँ एंड, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।